2.1.2 उत्तर का विशाल मैदान। उत्तर का विशाल मैदान भारतीय उपमहाद्वीप का महत्वपूर्ण भूभाग है। इसका विस्तार पाकिस्तान, भारत व बांग्लादेश में है। यह मैदान पश्चिम में सिंधु नदी घाटी, मध्य में गंगा घाटी तथा पूर्व में ब्रह्मपुत्र नदी घाटी तक फैला हुआ है, इसलिए इसे सिंधु गंगा ब्रह्मपुत्र का मैदान भी कहते हैं। इस मैदान का निर्माण हिमालय पर्वत के बनने के बाद हुआ है। इसे हम हिमालय पर्वत का उपहार भी कहते हैं। यह मैदान सभ्यता एवं संस्कृति का केंद्र रहा है। भारत की कुल जनसंख्या का बहुत बड़ा हिस्सा इसी मैदान में रहता है। भू आकृति की दृष्टि से समान होते हुए भी उत्तर का विशाल मैदान विविधताओं से भरा है। पूर्व के मैदानी इलाकों में चावल प्रमुख फसल है, जबकि पश्चिम की तरफ पश्चिमी उत्तर प्रदेश, हरियाणा और पंजाब गेहूं प्रमुख फसल है। इन्हें भी जानें। पहला, विशाल मैदान की लंबाई लगभग 2400 किलोमीटर और चौड़ाई 150 किलोमीटर से 480 किलोमीटर है। दूसरा, इस विशाल मैदान का क्षेत्रफल 7,75,000 वर्ग किलोमीटर है। इसी मैदान में सिंधु घाटी की सभ्यता का विकास हुआ है। चौथा, असम का माजुली द्वीप दुनिया का सबसे बड़ा नदीय द्वीप है। मैदान की उत्पत्ति। हमने पिछले अध्याय में पढ़ा है कि हिमालय पर्वत का निर्माण टेथिस सागर की तली में भूगर्भिक हलचल के कारण हुआ है। हिमालय पर्वत तथा विशाल पठार के बीच एक सकरी खाई रह गई जो टेथिस सागर का शेष भाग था। कालांतर में हिमालय से निकलकर आने वाली सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र आदि तथा प्रायद्वीपीय पठार के उत्तरी भाग से बहने वाली नदियों के अवसाद से यह सकरी खाई भर गई, जिससे उपजाऊ मैदान का निर्माण हुआ। इस मैदान में हजारों फीट की गहराई तक अवसाद का ही जमाव मिलेगा। मैदान का भौतिक विभाग। उत्तर के विशाल मैदान को तीन भागों में बांटा गया है। पहला, सिंधु सतलज का मैदान। दूसरा, गंगा का मैदान। तीसरा, ब्रह्मपुत्र का मैदान। पहला, सिंधु सतलज का मैदान। इसका अधिकांश भाग पाकिस्तान में और कुछ भाग भारत के पंजाब एवं हरियाणा राज्य में है। इसका निर्माण सिंधु एवं उसकी सहायक नदियों सतलज, व्यास, रावी, चिनाव तथा झेलम द्वारा लाए गए अवसादों के जमाव से हुआ है। पांच प्रमुख नदियों से निर्मित मैदान को पंजाब कहा जाता है। भारत में इसे पंजाब हरियाणा का मैदान भी कहते हैं। यह मैदान समतल और उपजाऊ है। इस मैदान में नदियों द्वारा निर्मित विभिन्न स्थलाकृतियां भी देखने को मिलती हैं, जैसे बेट और दुआब, दो नदियों के बीच की भूमि। इस क्षेत्र में नहरों और नलकूपों के उपयोग से हरित क्रांति को बल मिला। इस मैदान में अमृतसर, चंडीगढ़ आदि प्रमुख नगर हैं। स्थलाकृतियों के स्थानीय नाम। बेट, बाढ़ग्रस्त क्षेत्र को बेट कहते हैं। दोआब, दो नदियों के बीच की भूमि को दोआब कहते हैं, जैसे विस्त और बारी दोआब। पंजाब, पांच नदियों के मध्य की भूमि को पंजाब कहते हैं। सिंचाई एवं हरित क्रांति। पंजाब, हरियाणा और पश्चिम उत्तर प्रदेश के सिंचित इलाकों में आज़ादी के बाद नई कृषि नीति अपनाई गई, जिसके कारण कृषि उत्पादन में अत्यधिक वृद्धि हुई। कृषि उत्पादन में शीघ्र पकने वाली और अधिक उपज देने वाली फसलों को उन्नत बीज हाई एल्डिंग वैरायटी या HYVS सिंचाई उर्वरक, कीटनाशक दवाइयों आदि का उपयोग किया गया, जिससे भूमि के जोत का आकार कम होने के बाद भी प्रति हेक्टेयर उत्पादन अधिक होने लगा। किसान इस नवीन कृषि तकनीक की मदद से यहाँ वर्ष में दो से अधिक फसलें पैदा करने लगे। इससे कृषकों की आय बढ़ी और खुशहाली आई। इस हरित क्रांति ने अपने देश को खाद्यान्न के क्षेत्र में स्वावलंबी बना दिया। यहाँ गेहूं के अलावा बाजरा, मक्का, ज्वार, कपास और गन्ना जैसी फसलें भी होती हैं। अब यहाँ कुछ इलाकों में चावल भी पैदा किया जाता है। नदियों का पानी नहरों द्वारा बहुत बड़े इलाके में पहुँचाया जाता है। नदी के किनारों को काटकर नहरें बनाई जाती हैं। इन नहरों से नदी का पानी बहकर खेतों में पहुंचता है। जमीन ऊबड़ खाबड़ न होने के कारण
पानी को नहरों द्वारा दूर दूर तक पहुंचाया जा सकता है। सतलज नदी पर नांगल नामक जगह पर एक ऊंचा बांध बनाया गया है, जिसे भाखड़ा नांगल बांध कहते हैं। इसके बनने के बाद पंजाब में नहरों का विकास हुआ और पनबिजली का भी उत्पादन होने लगा, जिसके फलस्वरूप इस क्षेत्र में घरों को बिजली मिलने लगी और औद्योगीकरण भी संभव हुआ।